जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट। ओके, हम इसमें एक डेटा रख रहे हैं एक्स, तो डायरेक्ट तो आप एक्स रख नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें डालना ही होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम नहीं करते हैं और हम एक मेथड बनाते हैं एफ शो, और इसमें क्या रख देते हैं, सेल्फ, और यहाँ प्रिंट डालते हैं और हम सेल्फ डॉट एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, टी बराबर टेस्ट बनाएंगे और टी डॉट शो करेंगे। ठीक है, तो ये एक एरर सॉल्व, क्या एरर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक्स नाम का कोई डेटा हमको है ही नहीं, आप पहले से किए ही नहीं है, सीधे आप कह रहे हैं कि शो करो, तो वैल्यू होगा तो ना शो करेंगे। ठीक है, ओके, अब आप क्या करेंगे, अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप एक काम करेंगे कि या तो शो के पहले वैल्यू असाइन करेंगे, दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कुछ लिख देंगे, जैसे लिख देंगे 0। ठीक है, तो अब हम रन कराएंगे तो ये रन कर जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये हुआ कि एक्स का वैल्यू आपने एक्स को क्लास में इनिशियलाइज कर दिया 0 से। दूसरा चीज कि अगर आप यहां नहीं करते हैं तो फिर आप यहां पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या, 0, और तब आप रन कराएंगे तभी 0 आएगा। यानी आपको हर हाल में उस एक्स के वैल्यू को जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे कहीं ना कहीं इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर। चलिए, हम यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर दिए, चाहे हम यहां करें या हम यहां करें, मान लीजिए हम यहां नहीं करते हैं, सब कुछ कीजिए और हम यही करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। अब हम इस टेस्ट क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेगा, 0। ठीक है, 0 0। ठीक, अब हमारी ये प्रोग्राम अब फिक्स हो गया, किस इनिशियलाइजेशन के लिए, 0 इनिशियलाइजेशन की। ठीक, बाद में क्या करते हैं उससे नहीं मतलब है, ऑब्जेक्ट बना तो इनिशियलाइजेशन एक्स का क्या हुआ, 0। मतलब अगर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0। हम रहेगा। चाहते हैं कि एक्स तो रहे, ध्यान से समझिए, एक्स तो रहे पर एक्स का इनिशियलाइजेशन मेरे अपने हिसाब से हो। जब भी ऑब्जेक्ट बने हर ऑब्जेक्ट के बनने के हिसाब से हो। मतलब अगर हम टी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके लिए हम कुछ और इनिशियलाइजेशन सेट करना चाहते हैं। हम पी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ और इनिशियलाइजेशन हम सेट करना चाह रहे हैं। हम सबके लिए अलग अलग देना चाह रहे हैं, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे टी बराबर टेस्ट किए, टी डॉट शो किए तब भी 0, अब पी बराबर टेस्ट किए, ठीक है, और पी डॉट शो किए तब भी क्या आएगा, 0। हम कह रहे हैं नहीं, टी का कुछ और पी का कुछ और, सर ये तरीके से तो नहीं। अब आप कहिए हम बदल देंगे सर, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 कर देंगे, तो ठीक है बदल दिए, लेकिन अब सबके लिए इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर, ओके। तो ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से, ध्यान समझिए, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से क्लास के डेटा के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सके, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर
क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जो क्लास ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉल करना मतलब टी डॉट सो, पी डॉट सो, इसको बोलते हैं कॉलिंग। क्या बोलते हैं? वो कहता है कि नहीं, आप ऑब्जेक्ट बनाए, कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट बनाए, कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। कितनी बार? एक बार कॉल होता है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर का काम, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूटिलाइजेशन हम डेटा वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए कर सकते हैं, डेटाबेस को ओपन के लिए कर सकते हैं, या किसी अदर रिसोर्सेस को ओपन करने के लिए कर सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर का काम डेटा इनिशियलाइजेशन, फाइल ओपनिंग, डेटाबेस ओपनिंग, ठीक है, इन सारे कामों के लिए किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? क्योंकि हम जरूरी थोड़ी है कि एक हम हमेशा वेरिएबल पे काम करेंगे, हमारा काम फाइल से रिलेटेड हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बने उससे रिलेटेड फाइल क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो फाइल ओपनिंग का कंसेप्ट हम किस में डाल देंगे? कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। पॉइंट क्लियर? हम मान लीजिए पाइथन को डाटाबेस से लिंक करते हैं, हम चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बने एक डाटाबेस ओपन हो जाए उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उस डाटाबेस ओपनिंग का कंसेप्ट हम किस में डाल देंगे? कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे, ठीक है। ओके, ठीक। सी प्लस प्लस में भी पढ़े होंगे कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज दोनों होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में रिटर्न नहीं होता, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक स्कोप का होता है, कभी भी वो प्राइवेट स्कोप का नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी सी प्लस प्लस की बातें हैं, वो सेम है, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, पाइथन में कंस्ट्रक्टर यूज करने लिखने के तरीके अलग है जो आप सी प्लस प्लस में सीखे थे। सी प्लस प्लस में सिखाया गया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, पाइथन में ऐसा नहीं, ठीक है। क्लास का नाम चाहे कुछ भी हो, कंस्ट्रक्टर का नाम पहले से फिक्स्ड है और वो है इनिट, ठीक है। और उसको हम लोग डबल अंडरस्कोर शुरू में और डबल अंडरस्कोर बाद में, इसका मतलब ये नहीं समझे कि शुरू में लगा है तो प्राइवेट नहीं, क्योंकि बाद में भी तो लग गया है, ठीक है। तो ये बाद में बता रहा है कि ये सिस्टम डिफाइंड मेथड है। किसका डिफाइंड मेथड है? सिस्टम या पाइथन डिफाइंड मेथड है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर समझ रहे हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे मैं एक लिखूं डेफ और डबल अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, डबल अंडरस्कोर, और यहां पे मैं डाल दूं क्या x इज इक्वल टू 5 या 0, व्हाट अबाउट, जो भी है 5 ही रहने देते हैं, अभी वैसे ही रहने देते हैं। और फिर मैं इसको रन कराऊं, अच्छा, ओहो, हाँ हाँ, यहां पे क्या लिखना होगा? आ गया, ठीक है। लेकिन सर, आप अभी जो बताए यहां तो बात वही आ रही है, ठीक है, आप जो बताए रिजल्टेंट तो वही आया, आप 5 किए तो दोनों में 5 आया, और आप अभी कहे हैं कि हम दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग इनिशियलाइजेशन हम सेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। तो कहता है कि अगर नॉन पैरामीटराइज है तब तो जो वैल्यू आप डाल देंगे वो सबके लिए एक ही, अभी जो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है ये नॉन पैरामीटराइज है, क्योंकि सेल्फ तो पहले से फिक्स रहता है, तो ये नॉन पैरामीटराइज है, ओके। ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज, तो इसमें जो एक्स का वैल्यू 5 हो तो सबके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से अपना वैल्यू इनिशियलाइज करे, तब इसे आपको क्या करना होगा? पैरामीटराइज करना होगा। क्या करना होगा? पैरामीटराइज करना होगा, ठीक है, ओके। तो पैरामीटराइज करने के लिए सेल्फ के बगल में मैं एक लिख देता हूं, कोई टी लिख देता हूं, टी है ऑलरेडी, जेड लिख देता हूं। इसका मतलब कि हम कह रहे हैं
कि अब यहाँ 5 नहीं होगा बल्कि जो z में वैल्यू आएगा उससे इनिशियलाइजेशन करना है। तो सर अब तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो गया, तो हर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो पैरामीटर वैल्यू भी तो उसी के साथ डिफाइन होना चाहिए। तो कहता है कि हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी टी जब बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि टी के लिए तुम इनिशियलाइजेशन किससे करो, 5 से, और जब पी बन रहा है तो पी के लिए हम कह रहे हैं कि तुम पी का इनिशियलाइजेशन किससे कर दो, 10 से। तो अब जब दोनों का शो कराएंगे तो एक से आएगा 5 और एक से आएगा 10, जबकि इसके पहले वाला में क्या आ रहा था, दोनों से 5 5 आ रहा था। अब फिर से रन कराते हैं, सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कोई कहेगा हम प्रिंट करें करना चाहें तो नहीं होगा, होगा जो आप करना चाहें सो होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ एक बार कॉल होता है। कितनी बार कॉल होता है, एक बार, बार बार नहीं हो सकता, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, ओके, डाउट। तो दो तरह का कंस्ट्रक्टर हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज। अगर सबके लिए सेम रखना है नॉन पैरामीटराइज, सबके लिए वैल्यू इनिशियलाइजेशन अलग अलग करना है पैरामीटराइज। क्लियर, दिमाग बैठ गया। अब आते हैं, एक और कंसेप्ट सीखे थे आप C++ में, इसी का ऑपोजिट, एट दैट थिंग इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टर। तो अगला कंसेप्ट क्या है, डिस्ट्रक्टर कंसेप्ट। ऑलमोस्ट C++ वाला ही है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, और वो जो डिफरेंट थिंग है C++ और पाइथन में वो ये है कि C++ में गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट C++ में नहीं होता है और पाइथन में गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट होता है। गार्बेज कलेक्टर के बारे में ऑलरेडी आपको पाइथन में शुरू में भी बताया गया है कि एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आपके मेमोरी क्लीनिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम होता है जिसका वर्क किससे रिलेटेड होता है, मेमोरी क्लीनिंग। ठीक है, मेमोरी क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी को डिलीट करना। भैया मान लीजिए कि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेमोरी स्पेस नहीं लेता होगा, लेता ही होगा। ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम से बाहर जा रहे हैं तो मेमोरी स्पेस जो लिया था उसका क्या हो रहा है, कौन हटा रहा है, कौन साफ कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात। C++ कहता है हम नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब गार्बेज कलेक्टर अपना शेड्यूलिंग के हिसाब से एक्टिवेट करेगा तो वो आएगा और वो क्या करेगा, इसको क्लीन करेगा, तब कोई दूसरा यूटिलाइज इसको करेगा। ये कौन कह रहा है, C++।
क्योंकि मेरे पास क्लीनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब पाइथन क्या कर रहा है, मेरे पास तो गार्बेज कलेक्टर है, गार्बेज कलेक्टर का मतलब है मेमोरी क्लीनिंग। तो पाइथन कहता है कि जैसे ही आप क्लास एंड होता है, आपका प्रोग्राम एंड होता है, सॉरी प्रोग्राम जैसे ही एंड होता है, ठीक है, हमारा गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। और जैसे क्लीन कर देता है, अगला कोई भी प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, ये बना के रखता है, यानी प्रोग्राम की स्मूथनेस बनी रहती है, सिस्टम का स्मूथनेस क्या रहता है, बना रहता है, क्योंकि मेमोरी यूज किए और निकलते समय मेमोरी क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। ये C++ में गुण नहीं, क्लियर, ओके। अब डिस्ट्रक्टर जो C++ में हम लोग को पढ़ाया गया था, यह थोड़ा सा समझना, वो ये कहा गया था कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो मतलब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय के समय क्या करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम कंस्ट्रक्टर में फाइल ओपन किए हैं, तो जब डिस्ट्रॉय हो तो क्लोज कर दे, या उसमें हम हेलो किए हैं तो जब डिस्ट्रॉय हो तो बाय कर दे, हाँ ठीक है। तो C++ कहता है कि आपको वहां पे कंस्ट्रक्टर के अपोजिट डिस्ट्रक्टर लिखना होगा टिल्ड साइन लगा के, याद आ रहा होगा, नाम सेम होगा, टिल्ड साइन होगा, उसमें ना पैरामीटर होगा ना रिटर्न टाइप होता है, डिस्ट्रक्ट कुछ भी नहीं होता है, यहां भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे सी का प्रोग्राम एंड होगा, उसका क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा, क्लोजिंग ब्रेसेस मिला, एंड हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, क्लियर। यहां पे क्या होगा कि जब एंड होगा तो गार्बेज कलेक्टर आ जाए, क्या आ जाएगा, गार्बेज कलेक्टर, और वो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रक्टर यहां पे बना देते हैं, जो कि बनाएंगे, ठीक है, अगर हम यहां पे डिस्ट्रक्टर बना देते हैं तो इसका मतलब कि जब क्लोजिंग होगा तो गार्बेज कलेक्टर हैंडल करने लगेगा, फिर डिस्ट्रक्टर का रोल जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझिए पहले बात को, अगर गार्बेज कलेक्टर नहीं होता तो शायद वही रोल होता जो C++ में हमने सिखाया। यहां क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का जिम्मा अब किसको दे दिया गया, गार्बेज, वो ना डिसाइड करेगा कि भाई प्रोग्राम एंड हो गया है, ये ऑब्जेक्ट है, हटाना है हमको, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम जब एंड हो गया तो कंट्रोल कहां चला गया, गार्बेज कलेक्टर के पास, अब वो अपने हैंड से उसको ये करने लगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने लगा। तो जो डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसका कंट्रोलिंग अब आपके प्रोग्राम में कहां है, अब वो कहां चला गया, गार्बेज। तो क्या आप करने वाले हैं उसका रिजल्ट आपको पता, मतलब हो रहा है पर आपको पता नहीं चलेगा। तो पाइथन कहता है कि हम एक काम करते हैं, प्रोग्राम एंड होगा तो गार्बेज कलेक्टर कॉल होगा, ये तो रूल है, हम प्रोग्राम के एंड के समय ही, ठीक है, एंड होने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, एंड के समय ही गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करते हैं कि तुम आओ और इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, डिलीट करो, ठीक है। अगर ऐसा करेगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कॉल होगा तो चूंकि अभी प्रोग्राम मेरा एंड नहीं हुआ है इसलिए डिस्ट्रक्टर का जो वर्क है वो मुझे पता चल जाए। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात, जैसे डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे डेल नाम का एक मेथड है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डबल अंडर स्कोर डेल डबल अंडर स्कोर, ठीक है, और मान लीजिए इसमें प्रिंट हम बाय कर देते हैं, ठीक। तो नियमता तो एक्स बना यहां पे जब एंड हुआ तो दोनों खत्म, गार्बेज कलेक्टर आया, दोनों को रिमूव कर दिया, यस या नो,
ठीक। अब जैसे इसमें हम रन करा रहे हैं तो आपके अनुसार तो बाय आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? एंड करने के बाद कहां पहुंचा, कौन एक्टिवेट हुआ? प्रोग्राम एंड हो गया, गार्बेज कलेक्टर खड़ा हो गया, आगे टीका पीका जो भी मेमोरी है वो मैंने हटा दिया, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ वही कर लिया। तो प्रोग्राम तो एंड करने के बाद में हो रहा है, तो हमको तो डेल का वर्क समझ में आया नहीं, जो बाय है वो नहीं लिखा। कहता है कि अगर हम मैनुअली इसको कॉल करें, किसको कॉल करें? गार्बेज कलेक्टर को। किसको कॉल करें? कैसे सर? तो ये प्रोग्राम यहाँ एंड हुआ, यहाँ पे हम डाल देते हैं टेल, टेल मेथड है, और किसको दे देते हैं? पी। अब फिर लिखते हैं डल और किसको दे देते हैं? पी। इसका मतलब इस दोनों लाइन से हम कह रहे हैं गार्बेज कलेक्टर को आओ, फोर्सली आओ, और पी को रिमूव करो, टी को रिमूव करो। तो जब पी को, टी को फोर्सली रनिंग पीरियड में ही रिमूव करेगा तो डिस्ट्रक्टर का जो वर्क है वो आ जाएगा। यानी अब इससे दोनों लाइन से हमको दो बार क्या आ जाएगा? बाय बाय आ जाएगा, क्योंकि यहां से डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहां से भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखिए, समझ में आया? देखिए, सिर्फ डेल नहीं है तो डिस्ट्रक्टर का रोल है, पर डिस्ट्रक्टर का मतलब कुछ भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि प्रोग्राम एंड करके गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा है, तो एंड ही, जब प्रोग्राम ही एंड हो गया तब उसका आउटपुट हमको कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। हम क्या कर रहे हैं इस डेल मेथड से जो हम लिखे हैं अभी, हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम को रन मोड में रहने दो अभी, और गार्बेज कलेक्टर को कॉल करो। किसके द्वारा? इस डेल के द्वारा। ठीक है, तो पहली बार गार्बेज कलेक्टर कॉल किए किसके लिए? टी के लिए। वो आया, टी को रिमूव किया, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हेलो सॉरी बाय। फिर हम गार्बेज कलेक्टर को कॉल किए किसके लिए? पी के लिए, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर से आ गया बाय। क्लियर? ठीक है, कॉलिंग गार्बेज कलेक्टर एंड इनवोकिंग डिस्ट्रक्टर। गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर रहा है और डिस्ट्रक्टर को इनवोक कर रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन आप नहीं लिखेंगे तो आपका डिस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी उसका वर्क जो है वो आपके प्रोग्राम रनिंग के साथ अपियर नहीं होगा। मतलब ये नहीं कह रहे हैं नहीं हो रहा, हो रहा है, पर वो प्रोग्राम रनिंग के साथ आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है रिगार्डिंग योर सी प्लस प्लस। ठीक है,